आइए मैकेनिक डीजल के सप्ताह 17 का अध्ययन करें। आइए देखें कि हम इस हफ्ता क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिद्धांत, उपकरण, वेल्डिंग पैरामीटर, किनारों की तैयारी और फिट अप और वेल्डिंग तकनीक, एडवांस वेल्डिंग प्रक्रिया और उपकरण जैसे MIG, TIG, स्पॉट वेल्डिंग, प्लाज्मा कटर के बारे में बुनियादी ज्ञान। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रिंसिपल। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ईंधन गैसों को ऑक्सीजन की मदद से जलाकर किया जाता है, जो उच्च तापमान की एक केंद्रित लो बनती है। यह लो सीधे ब्लेड क्षेत्र से टकराती है और वेल्ड सतह और फिलर सामग्री को पिघला देती है। वेल्डिंग प्लेटों का पिघला हुआ हिस्सा एक दूसरे को फैलाता है और ठंडा होने के बाद एक वेल्ड जोड़ा बनता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण। नंबर एक, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर काले रंग की नुकीली स्टील की बोतल है और इसकी फिलर क्षमता 7 M³ गैस है। सिलेंडर का उपयोग ऑक्सीजन गैस को 120 से 150 किलोग्राम सेंटीमीटर 2 में दबाव के साथ स्टोर करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर एक मैरून चित्रित है और इसकी फिलर क्षमता 6 M³ है। इसका उपयोग एसिटिलीन गैस को 15-16 किलोमीटर सेंटीमीटर 2 के प्रेशर के साथ डिसॉल्व्ड अवस्था में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, ऑक्सीजन के लिए प्रेशर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का उपयोग ऑक्सीजन सिलेंडर गैस के दबाव को एक उपयुक्त कार्य दबाव में कम करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है और ब्लो पाइप के लिए गैस प्रवाह की निरंतर दर को बनाए रखता है। नंबर 4, एसिटिलीन के लिए प्रेशर रेगुलेट। यह एसिटिलीन सिलेंडर गैस के प्रेशर को कम करने और ब्लो पाइप के लिए प्रवाह की निरंतर दर पर उपयुक्त कार्य प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए है। नंबर 5, रेगुलेट के लिए नली पाइप कनेक्शन। यह एक कनेक्टिंग यूनियन है जिसका उपयोग रबर की नली के पाइप को रेगुलेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 6, ब्लो पाइप के लिए नली पाइप कनेक्शन। इसमें एक कनेक्टिंग यूनियन का आकार होता है और वेल्डिंग के दौरान फ्लैश बैक और बैकफेयर को रोकने के लिए नॉन रिटर्न डिस्क से सुसज्जित होता है। नंबर 7, रबर की नली। नली गैस रेगुलेटर्स से ब्लो पाइप तक गैसों को ले जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की प्रणाली। ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट्स या तो उच्च प्रेशर या निम्न प्रेशर हो सकता है। नंबर 1, एक उच्च प्रेशर 1 किलोग्राम सेंटीमीटर 2 तक उच्च प्रेशर में एसिटिलीन का उपयोग करता है। नंबर 2, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला स्रोत है। नंबर 3, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त उच्च या निम्न प्रेशर प्रणाली
केवल एसिटिलीन प्रेशर को संदर्भित करती है। ब्लो पाइप की विशिष्ट विशेषताएं। कम प्रेशर प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इंजेक्टर प्रकार के ब्लो पाइप की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग उच्च प्रेशर के लिए भी किया जाता जा सकता है। TIG वेल्डिंग प्रक्रिया। टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वेल्ड जोन। वेल्ड किए जा रहे क्षेत्र को एक अक्रिय गैस जैसे अग्रण या हीलियम द्वारा वायुमंडल इसके चारों ओर की हवा से परिरक्षित किया जाता है। फिलर धातु का उपयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। इस प्रक्रिया को TIG टंगस्टन इंटर गैस वेल्डिंग भी कहा जाता है। TIG वेल्डिंग उपकरण। एक AC या DC आर्क वेल्डिंग मशीन। तरल गैसों को संभालने के लिए परिरक्षित गैस सिलेंडर या सुविधाएं। एक परिरक्षण गैस रेगुलेटर और आर्क टाइमर। एक गैस प्रवाह मापी और टंगस्टन इलेक्ट्रोड। परिरक्षण गैस होसेस और फिटिंग। एक वेल्डिंग मशाल इलेक्ट्रोड धारक। वेल्डिंग रोड और फुट अरे ओस्तात स्विच। भरी शुल्क वेल्डिंग संचालन के लिए होसेस के साथ एक जल शीतलन प्रणाली। MIG वेल्डिंग प्रक्रिया। MIG वेल्डिंग की तकनीक बदल गई है। ज़्यादातर मामलों में MIG पावर स्रोत के सिद्धांत नहीं हैं। MIG पावर स्रोत मेन पावर का उपयोग करते हैं और इस मेन पावर को CV निरंतर वोल्टेज DC डायरेक्टर करंट पावर में MIG वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त बनाते हैं। MIG वेल्डिंग उपकरण। नंबर एक MAG टॉर्च। नंबर दो लाइनर। नंबर तीन गैस डिफ्यूज़र। नंबर चार संपर्क टिप होल्डर। नंबर पाँच संपर्क टिप। नंबर छः नोजल और टॉर्च एंगल। स्पॉट वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए इस प्रकार के प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जोड़ने वाली सामग्री को दो इलेक्ट्रोड के बीच रखा जाता है। प्लाज्मा आर्क काटना। प्लाज्मा काटने की प्रक्रिया मूल रूप से एक थर्मल काटने की प्रक्रिया है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से मुक्त है, अर्थात ऑक्सीकरण के बिना। प्लाज्मा आर्क काटने के अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च वेग संकुचित आर्क का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मा आर्क कटिंग के प्रिंसिपल्स। प्लाज्मा आर्क काटना एक वैद्युत आर्क की अत्यधिक गर्मी के साथ गैस अग्रण नाइट्रोजन हीलियम वायु हाइड्रोजन या उनका मिश्रण के एक स्तंभ को अनित करने के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रक्रिया। प्लाज्मा काटने के अनुप्रयोग। नंबर एक सभी धातुओं और धातुओं अधातुओं की सीधी और तेज कटिंग। नंबर दो फोजिंग और कास्टिंग के लिए राइजर और फटकों को काटना। नंबर
चार मोटी चादर में होल करने के लिए पियर्सिंग की क्रिया द्वारा। नंबर पाँच, 1.5 से 6 मिलीमीटर मोटाई की कोई शीटों की स्टॉक कटिंग। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।